नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट सूत्रा में। और आईपीएल की बड़ी अपडेट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे सीधे कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच की, जहां कोलकाता ने शानदार जीत हासिल की। कोलकाता ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 142 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम ने 3 विकेट खोकर 145 रनों का स्कोर बनाया और मैच अपने नाम कर लिया। केकेआर के जीत के हीरो बने शुभमन गिल। केकेआर के लिए मैच विनिंग पारी शुभमन गिल ने 62 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 70 रनों की शानदार पारी खेली। शुभमन ने अपने पारी के शुरुआती में संयम बरता और जब उनका पैर क्रीज पर जमा तो उन्होंने बड़े शॉट्स भी लगाए। इयान मॉर्गन ने भी खेली अहम पारी। कोलकाता के लिए नीतीश राणा और दिनेश कार्तिक आउट होने के बाद इयान मॉर्गन ने एक शानदार पारी खेली। मॉर्गन ने शुभमन गिल का बढ़िया साथ दिया। मॉर्गन ने 29 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 42 रन बनाए, जो कोलकाता को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। हैदराबाद बड़ा स्कोर खड़ा करने में रही नाकाम। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला तो लिया, लेकिन ये काम नहीं कर पाया। हैदराबाद के कप्तान वार्नर 30 गेंदों में सिर्फ 36 रन बना सके, जिसके बाद मनीष पांडे ने जरूर शतकीय पारी खेली, लेकिन वो ज्यादा तेजी से रन नहीं बना सके, जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवरों में सिर्फ 142 रनों का स्कोर खड़ा कर सका। आज आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान दोनों ही अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल आने वाले मैचों में केकेआर को इसी तरह से जीत दिलाते रहेंगे? तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।